गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं गौरी आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत है आपका इस क्लास पे। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्टूडियो जो आपको पता है सक्सेस पॉइंट का जो स्टूडियो है, आपको एक दो दिन और कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर आपको जो क्लास मिलते थे, मैं अपनी क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक क्लास की बात कर रही हूँ, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, मैथ है, या पॉलिटी, या फिर हिस्ट्री, और भी जो क्लास है जो प्रॉपर आपको नहीं मिल पा रही है, वो आपको एक दो दिन में क्लियर मिलने लगेगी। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना लो। आपको सर का मैसेज भी मिला होगा, तो ठीक है, आप सर का मैसेज देख लेना। उसमें सर ने साफ साफ कहा है कि बस एक दो दिन की प्रॉब्लम है, इसके बाद आपको कंटिन्यूस क्लास मिल देगी हर एक चीज़ की। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है वो एक दो दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो अभी तो मैं स्टूडियो में हूँ नहीं, ये तो बात आप भी जानते हो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। मैं जो क्लास ले रही हूँ वो घर से ले रही हूँ। ठीक है, तो देखो कल की क्लास में कमेंट्स भी आए थे कि बच्चे बोल रहे थे कि क्लास आपकी तो ठीक है, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करना, ठीक है, क्योंकि और भी बच्चे हैं जो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो गाइस, हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका आउटपुट डिवाइस, राइट? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हमारा मॉनिटर कंप्लीट हो चुका है, और अब हम जो पढ़ रहे हैं प्रिंटर। हमारी प्रिंटर की बात चल रही थी, प्रिंटर में हमारा एक प्रिंटर, यानी मैंने आपको बताया था प्रिंटर के दो पार्ट हैं। ठीक है, एक है आपका इम्पैक्ट और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हुए लेके चल रही हूँ मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इम्पैक्ट में आपको मैंने दो बताए कि एक होता है करेक्टर, यानी जो एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, दूसरा बताया मैंने लाइन, यानी एक लाइन, एक बार में कम से कम ये एक लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये जो था आपका क्लियर हो गया था, कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा क्या क्या पढ़ा? तो आपने पढ़ा है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, राइट। सेकेंड आपने पढ़ा है डेजी व्हील, इसके बाद आपने पढ़ा है चेन प्रिंटर, और ये आपके ड्रम प्रिंटर, राइट। इतना ही पढ़ा है, इतना याद रखना आप, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ठीक है, ये जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ये आपके ब्लैक एंड वाइट होते हैं, यानी कलरफुल यूज नहीं किए जाते इसमें। ठीक, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रिंटर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, यानी कि नॉन, हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। यानी अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, उसका जो नाम है उसका नाम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले इसकी क्वालिटी आप जान लो, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, राइट। अब इसकी पहले क्वालिटी समझ लो आप, ठीक है, फिर इसके बाद आप नोट करना, मैं इसे लिखवा दूंगी। मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा होता है, नॉइजी होता है, यानी शोर गुल करता है, खटर पटर की इसमें आवाज आती है। तो ये इसका ठीक अपोजिट होता है, अपोजिट का मतलब इसमें कोई आवाज नहीं आती, यानी बिल्कुल ये स्लो होता है। वो प्रिंटर क्या था? इम्पैक्ट प्रिंटर, तो वो आपका चीपेस्ट था, यानी कि सस्ता मिलता है, ठीक है। बट ये जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये आपका मोर एक्सपेंसिव है, किसके अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के, ठीक है, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर के अकॉर्डिंग ये जो प्रिंटर होता है, ठीक है, ये जो प्रिंटर होता है ये बहुत ही क्या होता है, क्वालिटीफुल होता है। ठीक है, ये इसमें आप कलरफुल और मोनो, मोनो मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट को भी आप टाइप प्रिंट निकाल सकते हो, और कलरफुल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये आपका लेटेस्ट प्रिंटर है, ठीक है, ये आपका लेटेस्ट प्रिंटर है, और इसके द्वारा निकले गए प्रिंट जो होते हैं बिल्कुल स्मूथ होते हैं, यानी पेज पे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, राइट। और ये हाई क्वालिटी का प्रिंटर होता है, ठीक है, क्यों होता है ये हाई क्वालिटी का? क्योंकि इसमें यूज किया जाता है लेजर, ठीक है, यानी इसमें जो प्रिंट होता है ये लेजर के थ्रू होता है, ठीक है। अब आपको पता है लेजर के थ्रू हर काम कितना क्लियर हो गया है ना, लेजर की थ्रो सारे काम कितने आसान हो गए हैं। तो आप इसके बारे में लिखोगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, इसमें क्या होता है? तो इसमें नो नॉइजी, यानी ये बिल्कुल क्या नहीं करता है, शोर शराबा करने वाला प्रिंटर नहीं है, नो नॉइजी प्रिंटर, ठीक है, नो नॉइजी प्रिंटर, इसमें पहला आप लिखो, ठीक है। दूसरा लिखो, इसकी जो प्रिंट होती है वो बिल्कुल कैसी होती है? स्मूथी, स्मूथी मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ हाई क्वालिटी की इसकी प्रिंट होती है, ठीक है। और ये क्या होता है,
इसके क्वालिटी में लिखो ये कलरफुल भी होता है, ठीक है। यानी हम इसमें जो कलरफुल आजकल देख रहे हो आप प्रिंट निकाल लेते हो, आपका आधार कार्ड है ना, उसमें कितने सारे कलर होता है और सेम टू सेम आप उसका प्रिंट निकाल लेते हो, वैसी ही दूसरी कॉपी बनकर आपको मिल जाती है। तो वो किस कंप्यूटर प्रिंटर के थ्रू होता है, तो वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये चीज आप याद रखना। ये आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है। तो ये आप इसमें लिखना, एक चीज और लिखना कि ये जो प्रिंटर होते हैं ये लेटेस्ट प्रिंटर है, ठीक है। ये क्या है आपका, तो ये आपका लेटेस्ट प्रिंटर है जो इस समय चल रहा है ना, क्योंकि अब ज्यादातर लोग कलरफुल ही प्रिंट निकलवाना ज्यादा अच्छा समझते हैं, है ना। पहले व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट यानी मोनो कलर के प्रिंटर का यूज किया जाता था, बट अब ये हो गया है कि सब कुछ कलरफुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब इतनी चेंज हो रही है तो हर एक चीज में चेंजिंग आ गई है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी ये होती है कि यह कम से कम एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है, ठीक है। ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में कि ये एक बार में एक पेज को क्या करता है, ये प्रिंट करता है, राइट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला प्रिंटर है उसका नाम है इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से मैं लिख दे रही हूं, आप नंबर फिर से डाल लेना। वन है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का पहला जो प्रिंटर है, फर्स्ट है आपका इंक जेट प्रिंटर। अब इसकी क्वालिटी क्या है पहले आप इसे समझ लेना, ठीक है, फिर नोट करवा दूंगी मैं आपको, ठीक। या फिर एक काम करो, पहले आप समझ लो, फिर आराम से आप अपनी कॉपी में सोच सोच के समझ समझ के लिखना, ठीक है। देखो ये जो प्रिंटर होता है ना, इसमें जो होती है इंक यूज किया जाता है, जैसे नाम ही है इंक जेट प्रिंटर, तो इसमें किसका यूज किया जाता है, इंक का यूज किया जाता है। और जो ये इंक होता है ना, ये लिक्विड होता है, यानी गीली गीली होता है, गिल गिले टाइप का प्रिंट होता है, ठीक है। यानी लिक्विड इंक इसमें यूज किया जाता है, किसमें, इस प्रिंटर में। इसकी सबसे बड़ी कमी मान लो, पहले आप कमी समझ लो क्या है, ये इसमें आपका जो प्रिंटर है इसमें जो इंक यूज की जाती है वो कैसी कैसी होती है, गीली होती है। इसमें सबसे अधिक कमी ये है, अगर इस प्रिंटर में आपके प्रिंटर में इंक है, यानी प्रिंट आपने प्रिंटर लिया है, ठीक है, और सपोज डेट मान लो किसी वजह से या किसी कारण से आप एक या दो महीने इस इंक प्रिंटर का यूज नहीं करते हो, तो क्या हो जाता है, इसकी इंक सूख जाती है, ठीक है। ये सबसे अधिक मतलब कि एक तरीके से कह दो, इसमें इंक क्यों सूख जाती है, क्योंकि ये गीली होती है, ठीक है। एक डेढ़ महीने तक इसका यूज ना किया जाए तो इस इंक जेट प्रिंटर में से इंक सूख जाता है, ठीक है। ये DPI होता है, DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। ये आपका 300 DPI यानी एक इंच होता है ना, पहले समझ लेना, नोट मत करना। जैसे एक इंच है आपका, मान लो ये आपका एक इंच है, तो ये कम से कम एक इंच में जितने भी करेक्टर आते हैं ना, उसमें कम से कम 300 डॉट को ये यूज करती है। यानी जितने डॉट हो, आपको पता ही है इस बात को, मैंने आपको बता भी रखा है कि जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, यानी जितने अधिक डॉट होंगे, आपका अक्षर कह लो चाहे आप कह लो इमेज की बात, जितने ज्यादा डॉट होंगे उतना ही आपका इमेज या अक्षर उतना ही क्लियर आता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें आपका एक इंच तक का, एक इंच जितना भी आप वर्ड लिख रहे हो उसमें कम से कम 300 क्या होते हैं, डॉट होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आप जान लो, ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मोनो, ठीक है, एक होता है आपका मोनो, और दूसरा जो होता है कलरफुल। क्या होता है, कलरफुल। मोनो का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे हम अक्सर छापते हैं ना, हमें सीवी बनवाना हो या फिर हमें कोई भी प्रिंट आउट निकालना होता है, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, मोनो का। यानी इसमें केवल दो ही कलर होते हैं, ब्लैक, और कौन सा होता है, ऑलरेडी आपका पेज व्हाइट ही रहता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक। अब आता है कलरफुल, तो ये जो कलरफुल होते हैं ना, ये कलरफुल में केवल 4 कलर होते हैं। इसमें याद रखना, मैंने आपको जब मॉनिटर पढ़ाया था, याद होगा आपको, जब मॉनिटर पढ़ाया था तो उसमें 3 रंग बताए थे, ठीक है। उसमें जो था ग्रीन कलर,
उसमें रहता है कि इसमें मॉनिटर में इसमें वो ग्रीन कलर नहीं रहता। तो इसमें कलर कौन कौन से होते हैं, ये कलरफुल होता है, तो इसमें चार कलर होते हैं, ठीक है। पहला होता है ब्लैक, ठीक। दूसरा जो होता है वो होता है रेड। तीसरा होता है आपका ब्लू, और जो चौथा है आपका वो है येलो। याद रहे ये चीज़, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिंटर में कौन सा कलर नहीं होता है। तो याद रहे ये जो प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर या फिर आप कह लो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कलरफुल आजकल के प्रिंटर हैं, इसमें आपको ग्रीन कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रीन कलर के इसमें जो होते ना डिब्बे जो भर जाते हैं वो नहीं रहता है। हाँ, इसमें एक आपस में कॉम्बिनेशन करके कलर बना दें, बात अलग है, मगर जब इसमें इंक भरा जाता है ना तो वो ब्लैक होता है, रेड होता है, ब्लू और येलो, ठीक है। और आपका बात की जाए मॉनिटर की, तो मॉनिटर में थ्री कलर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू और एक होता है कौन सा, ग्रीन, याद रहे, ठीक है। तो आपके ये चार कलर होते हैं प्रिंटर में, क्लियर है। और इसकी क्या खासियत है, तो इसमें कई रंग द्वारा हर एक करेक्टर को या चित्र को छापा जा सकता है, ठीक है। ये जो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है ये लेजर के अकॉर्डिंग तो कम होता है, यानी जो लेजर प्रिंटर है उसके अकॉर्डिंग कम एक्सपेंसिव होता है, यानी सस्ता होता है, मगर जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसके अकॉर्डिंग ये महंगा होता है, ठीक है। यानी ये आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। बट ये लेजर प्रिंटर से कम है, यानी लेजर प्रिंटर में ये बाद में आएगा, ठीक है। और इसकी क्या क्वालिटी है, तो ये आपका इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है हाई टू डीएमपी, यानी डॉट मिनट जो होता है ना डीएमपी प्रिंटर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है ये, तो ये डीएमपी प्रिंटर से हाई है और लेजर प्रिंटर से लो है, ठीक। दूसरी क्वालिटी ये क्या होता है कि इसमें कलर जो होता है, चार कलर होते हैं, ठीक है, यह आपका सबसे अच्छा प्रिंटर माना जाता है। इसकी क्वालिटी कैसी होती है, सबसे बेस्ट होती है, सस्ता भी होता है और इसमें डॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो इंक होती है वो आपकी लिक्विड होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है, तो अब मैं इसके बारे में लिखवाती हूँ, आप फटाफट इसे लिखना स्टार्ट करो। तो नॉन इंपैक्ट में सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे क्या, आपका है इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे, इसमें पॉइंट डालोगे तो ये कैसा प्रिंटर है, तो ये आप सबसे पहले आप लिखोगे इसमें कि ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ये कौन सा प्रिंटर है, तो ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी क्या है, इसमें दूसरी क्वालिटी ये है कि इसमें लिक्विड इंक यूज इन दिस प्रिंटर, ठीक है, इन दिस प्रिंटर, यानी इस प्रिंटर में जो इंक होता है वो कैसा होता है, तो याद रहे लिक्विड होता है, ठीक है। ये जो आपका है इसमें यूज किया जाता है DPI, DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच। तो ये जो DPI होता है कितने होते हैं, 1 इंच जो होता है आपके कितने करेक्टर को टाइप करता है, कितने पॉइंट होते हैं, कम से कम 300, 1 इंच में कम से कम 300 डॉट को ये लेता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, आप इतना नोट करो फिर आगे बढ़ती हूँ मैं, ठीक है। मैं इसे हटा रही हूँ, आप इसे फटाफट नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे लिखो इसके बारे में, चलो आगे लिखते हैं इसके बारे में। तो ये आपका जो प्रिंटर होता है कैसा होता है, मोनो में लिख लेना, कौन कौन सा, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। और आपका कौन सा होता है, एक कलरफुल में कौन कौन से कलर आ जाते हैं, तो आप लिखोगे रेड, ठीक है,
ब्लू, ब्लैक और आपका हो गया ग्रीन। ठीक है, इसका इसमें जो छोटे छोटे ना डिब्बे होते हैं, ठीक है, ठीक, क्लियर है। इंकजेट प्रिंटर में याद रहे डॉट के द्वारा ही प्रिंट होता है, ये भी क्लियर है। ये क्या होता है, एक बार में वन टाइप, एक समय में कम से कम वन पेज को प्रिंट करता है, वन टाइम वन पेज प्रिंट, एक समय में एक पेज को ये प्रिंट करता है, ये इसकी क्वालिटी होती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ये है, इसमें आप लिखो, चार कलर लिख लिया आपने, ये एक बार में एक पेज को टाइप करता है, इसकी जो क्वालिटी होती है आप क्वालिटी लिखो, इसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। ठीक है, स्मूथ होती है और इसका जो स्पीड होता है, ठीक है, यानी जो आप प्रिंट करते हो उसकी स्पीड होती है कितना, तो इसकी स्पीड होती है कि ये 340 से 600 तक के पेज को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी होती है। ये हाई होता है, क्या होता है, ये हाई होता है, हाई टू डीएमपी प्रिंटर। ठीक है, डीएमपी प्रिंटर से क्या होता है, ये हाई होता है बट ये लो होता है, किससे, तो लो होता है ये लेजर प्रिंटर से, लेजर प्रिंटर, ये लेजर प्रिंटर के अकॉर्डिंग क्या है, लो है, बट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अकॉर्डिंग ये क्या है, हाई होता है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी होती है, आप इसे नोट कर लो। लास्ट आप लिखो इसके बारे में, क्लियर है, इसमें जो यूज किया जाता है, आई होप इसे आपको यह आपको समझ में आ रहा है कि प्रिंटर कैसा है। इसके बारे में आप और लिखो कि इसमें जो होता है कार्टेज का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, तो यह आपका कार्टेज, कार्टेज बोतल होता है, उसी के अंदर क्या किया जाता है, इंक भरा जाता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, ये लिक्विड होता है, तो ये कार्टेज बोतल होता है, उसी के अंदर इंक भरा जाता है, और ये आपस में कम्बिनेशन करके हर एक, यानी पिंक कलर जैसे हुआ, ये सब होता है ना, तो ये करता है। ठीक, अब इसकी प्रिंट की स्पीड आपको लिखवाया मैंने, ये 300 से, ठीक है, 600 तक के प्रिंट कर सकता है। अब पूछता है कि एक मिनट में कितना पेज प्रिंट करता है, तो आप एक मिनट का लिख लो, ये पर मिनट, इसका ये जो पर मिनट है वह आपके 12 से लेके 20 पेज। ठीक है, एक मिनट में 12 से लेके 20 पेज तक को ये प्रिंट कर सकता है। आपको जो 300 से मैंने 600 लिखवाया है ना, ये इसकी इतने में, मतलब 340 से 600 पेज ये प्रिंट कर देगा, फिर इसके बाद ये गर्म हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन जो इसमें स्पीड है, इसकी ये स्पीड है, ठीक है, ये जो है स्पीड है, ये एक मिनट में, पर मिनट मतलब होता है एक मिनट में कम से कम 12 से लेके 20 पेज को एक बार में ये प्रिंट कर सकता है। कौन सा, तो ये आपका हुआ इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इसमें जो भी होता है, अक्षर कह लो चाहे चित्र कह लो, ठीक है, ये कलरफुल होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंकजेट प्रिंटर, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, नो नॉइजी, इसमें आपका वो प्रिंटर था, ठीक है, ये जो होता है नॉइज नहीं करता है। ठीक है, यानी ये शोरगुल करने वाला प्रिंटर नहीं होता है। ठीक, तो गाइस आज की क्लास यहीं पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, क्लास को लाइक कर देना।